वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं IFCI के स्टॉक के बारे में। कंपनी की तरफ से जो Q4 की अर्निंग है वो यहाँ पे रिलीज कर दी गई है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो Q4 की अर्निंग है वो यहाँ पे कैसी रही। ये जो अर्निंग है ये स्टैंड अलोन दिया गया है, कंसोलिडेटेड अर्निंग में आ जाते हैं डायरेक्टली। ये जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे करोड़ में दी गई है। तो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ये कितना आया है वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, 708 करोड़ लास्ट क्वार्टर में, 469 करोड़ लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, 426 करोड़। तो यहाँ पे इनकम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ गया है और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी यहाँ पे इनकम बढ़ गया है। टोटल जो एक्सपेंसेस हैं, जो टोटल खर्चे हैं वो उसकी अगर बात कर लेते हैं तो कितने आए हैं, 425 करोड़ इस क्वार्टर, 397 करोड़ लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 598 करोड़। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कितना निकल के आया है वो चीज़ अगर देखोगे, 287 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 71 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 172 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो खर्चे थे वो यहाँ पे बढ़ गए थे लास्ट ईयर जितना रेवेन्यू था उससे ज़्यादा। तो इस कारण से यहाँ पे जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का माइनस में दिखाया जा रहा है। अब बात करें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स की, यहाँ पे बात कर लेते हैं आफ्टर टैक्स कंपनी ने कितना कमाया, 157 करोड़ लास्ट क्वार्टर का, यहाँ पे 39 करोड़ लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 241 करोड़ माइनस में। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और वाई ऑन वाई बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को डायरेक्टली मिल गया है। तो हमारे तरफ से रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव आया है। आपको रिजल्ट कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।